नमस्कार। फिल्म बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में आपने देखा कि कैसे बच्चों ने मिलकर सोसाइटी के वेस्ट से कितनी सुंदर और यूजफुल चीजें बनाई। हमारे पूर्वज भी हर वस्तु की उपयोगिता को जानते थे और इसीलिए वो उसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। इसी प्रकार हमारे इतिहास में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके कुछ ना कुछ नया बना दिया और उन्हीं में से एक नाम नेकचंद सैनी का भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी और पार्टीशन के उस समय से जब हजारों परिवार एक अजीब सी तकलीफ में फंसे थे और उनके लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। अपनी जमीन अपने घर को छोड़कर इस तरफ भारत में चले आए या वहीं अपने घर और जमीन के लिए पाकिस्तान में ही रह जाएं। ऐसे में कई परिवार अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर भारत में आ गए। सुनने में इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन सोचिए अपने घर को छोड़कर किसी नई जगह आकर बसना कितना कठिन होगा। उस समय ये सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी कि फट से एटीएम में कार्ड लगाया और पैसे आपके हाथ में। वो बड़ा मुश्किल समय था जिसे हमारे दादा दादी और नाना नानी ने झेला है। ऐसे ही लोगों में एक 22-23 साल का लड़का भी था जो शंकरगढ़ यानी कि गुरदासपुर के अपने घर को छोड़कर अपने परिवार के साथ भारत के इस हिस्से में आ गया था और यहीं बस गया। नो डाउट इस लड़के और उसके परिवार ने भी वो सब तकलीफें तो झेली ही होंगी जो उस तरफ से आए दूसरे परिवार भी झेल रहे थे, पर जिंदगी से लड़ते हुए और लगातार कोशिश करते हुए लगभग 8-9 साल के बाद यह लड़का चंडीगढ़ में रोड इंस्पेक्टर नेकचंद सैनी बन गया, जिसे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे फ्रांस के एक वास्तु डिजाइनर की मदद के लिए अपॉइंट किया गया था। यूजुअली आपने देखा होगा कि आज के लोग अपने काम से काम रखते हैं और बस उतना ही काम करना चाहते हैं जितना कि उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन नेकचंद जी कुछ अलग थे। जहां हम लोग काम के बाद अपने अपने घर में आराम से बैठना पसंद करते हैं, वहीं नेकचंद जी अपनी साइकिल उठाकर शाम होते ही निकल जाते और घंटों सड़क के किनारे और बेकार जगहों पर घूमते रहते। और शायद ऐसे ही घूमते हुए उन्हें एक दिन आइडिया आया जिसने आज चंडीगढ़ का नाम ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। नेकचंद जी एक दिन ऐसे ही किसी जगह पर घूम रहे थे और उन्होंने वहां पर कबाड़ पड़ा हुआ देखा और उन्होंने सोचा कि इससे कुछ नया बनाते हैं, कुछ करते हैं। और उसमें से जो भी चीजें अच्छी लगी उन्होंने उसे उस कबाड़ में से उठा लिया। और अब जैसे हम सामान तो ले आते हैं पर हमारे सामने सबसे बड़ी तकलीफ होती कि इसे रखे कहाँ, पर नेकचंद जी ने इसका भी जुगाड़ लगा लिया और जंगल में एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां उनका सामान सुरक्षित रह सकता था। अब तो बस रोजाना यही सिलसिला चलने लगा। नेकचंद जी अपना काम खत्म कर साइकिल से निकल जाते और घंटों घूमते हुए बेकार पड़ी हुई ट्यूबलाइट, टूटी फूटी टाइल्स, चूड़ियां, चीनी के कप, टॉयलेट की सीट, बोतल के ढक्कन, प्लास्टिक की अलग अलग चीजों को उठाकर ले आते जो दूसरों के लिए तो बेकार थी पर उन्हें बहुत काम की लग रही थी। जब काफी सारा सामान इकट्ठा हो गया तो नेकचंद जी ने सोचा कि अब इससे कुछ हम बनाते हैं। तो उन्होंने इन सब बेकार सामान की मदद से एक स्टैचू बनाया और इस स्टैचू को पकाने के लिए वही उन्होंने एक भट्टी भी बना ली और इस तरह उस सुनसान जंगल में उनका पहला स्टैचू बना। बनने के बाद वो स्टैचू नेकचंद जी को इतना अच्छा लगा कि अब तो उन्हें ये काम करने में और मजा आने लगा।
जिस दिन काम से छुट्टी होती उस दिन नेकचंद जी पूरा दिन यही काम करते और दुगनी मेहनत के साथ करते। धीरे धीरे सबसे छुपाकर उन्होंने कई सारी चीजें बना ली। उनकी जगह अगर कोई और होता तो एक चीज बनती और वो दुनिया को दिखाने में लग जाता। लेकिन नेकचंद जी ये काम किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं अपने लिए कर रहे थे और उनको वो स्टैचू और उसी तरह की सभी चीजें अपने ईश्वर की तरह दिखते। और कई सालों तक नेकचंद जी ने इन्हें यहीं इस जंगल में सबसे छुपा कर रखा और पूरी मेहनत से अपना काम करते रहे। लेकिन कोई भी स्टोरी बिना सरप्राइज के पूरी हो सकती है क्या? तो नेकचंद जी की स्टोरी में भी सरप्राइज एलिमेंट आया और उनके इस काम के बारे में रिलेटेड अधिकारियों को सब कुछ पता चल गया। अब नेकचंद जी को अपने सपनों की दुनिया टूटती हुई नजर आने लगी क्योंकि इसे बिना किसी परमिशन के बनाया गया था। लेकिन जब लोगों ने नेकचंद जी के इस यूनिक काम को देखा तो उन लोगों ने नेकचंद जी का सपोर्ट किया और सभी के सपोर्ट ने नेकचंद जी के सपनों की दुनिया को टूटने से बचा लिया। नेकचंद जी की बहुत कोशिशों के बाद साल 1976 में चंडीगढ़ प्राधिकरण ने इस गार्डन को रॉक गार्डन का नाम दिया और इनोग्रेट करके हम सब लोगों के लिए यानी कि पब्लिक के लिए खोल दिया। सभी ने नेकचंद जी के इस काम की बहुत तारीफ की और नेकचंद जी की मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें रोड इंस्पेक्टर की ड्यूटी से हटाकर पूरी तरह से इस गार्डन को और भी बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। अब आप कहेंगे कि ये तो नेकचंद जी के मन की हो गई, होना भी चाहिए ना। जिस काम में उनका मन था अब 2400 घंटे वो उस काम को कर सकते थे और अब उनके पास उनका साथ देने के लिए 50 और लोग भी थे जो गवर्नमेंट ने उनकी मदद के लिए दिए थे। अब चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश और पूरी दुनिया रॉक गार्डन को उसी नज़र से देख पा रही थी जिस नज़र से नेकचंद जी देखा करते थे। लेकिन कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी और कोई गड़बड़ ना हो ऐसा हो सकता है क्या? और जैसा हर कहानी में होता है उसी तरह इस कहानी में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें नेकचंद जी की ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए जब नेकचंद जी किसी काम से देश के बाहर गए तब कुछ लोगों ने उनकी इस सपनों की दुनिया को तोड़ने की कोशिश की और गार्डन को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनके हेल्पर भी काम छोड़कर चले गए जिन्हें नेकचंद जी की मदद के लिए रखा गया था। और एक बार फिर नेकचंद जी अकेले हो गए। लेकिन फिर भी नेकचंद जी ने हार नहीं मानी और इस गार्डन को फिर से सुधारा और आज नेकचंद जी की वजह से ही 40 एकड़ में फैला ये रॉक गार्डन हमारे देश के खास टूरिस्ट प्लेसेस में से एक बना हुआ है जहाँ हजारों टूरिस्ट रोज आते हैं और इनमें सैकड़ों विदेशी टूरिस्ट भी होते हैं। अब आप ही बताइए अगर उस दिन नेकचंद जी अपने परिवार के साथ इस तरफ नहीं आए होते तो क्या कभी हमें ऐसा रॉक गार्डन मिल पाता? इसीलिए जैसा चल रहा है उसके साथ चलते जाइए। आपको अपनी तरफ से बस यही कोशिश करनी है। तो देखा आपने कि नेकचंद जी ने हमारे आपके जैसे लोगों के वेस्ट से कैसे देश का बेस्ट गार्डन बना दिया। और हाँ, जब भी आप चंडीगढ़ जाओ तो रॉक गार्डन देखकर जरूर आना और स्वयं तो प्रेरणा लेना ही और दूसरों को भी वेस्ट को वेस्ट ना करने के लिए जरूर प्रेरित करना। धन्यवाद।